हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 7। ए 100 वाट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज स्फीयर दैट एब्जॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन इट। The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. Then number 1, what is the energy per photon associated with the sodium light? And B part is, at what rate are the photons delivered to the sphere? In this question given that, question ke andar hame given hai, this large sphere, suppose here, large sphere, एंड द सोर्स ऑफ लाइट मतलब दिस इज सोडियम लैम्प इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड गिवन दैट द पावर ऑफ दिस सोडियम लैम्प पी इज इक्वल टू 100 वाट एंड द वेवलेंथ इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन 589 नैनोमीटर एंड दिस कैन बी रिटन एज 589 इंटू 10^-9 मीटर। राइट, ना क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में एनर्जी ऑफ द फोटोन वी नो दैट इज इक्वल टू एच न्यू एंड दिस कैन बी रिटन एज एस सी अपॉन लैम्डा। दिस इज एस सी अपॉन लैम्डा। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाई दिस एस सी अपॉन लैम्डा। Now on putting the values, H is equal to 6.63 into 10^-34 and C is the speed of light 3 into 10^8 upon this wavelength. Wavelength is how much? This is 589 into 10^-9 meter. Then solve karte hain isko, pehle multiply karein, phir isse divide. तो सॉल्व करने पर दिस इज इक्वल टू 3.38 इंटू 10^-19 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। इतने जूल एनर्जी इसकी हमें एनर्जी ऑफ द फोटोन मिलती है 3.38 इंटू 10^-19 जूल। फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन, तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी 3.38 इंटू 10^-19 जूल। सेकेंड पार्ट में कहता है एट वाट रेट आर द फोटोन डिलीवर्ड टू द स्फीयर। यहाँ से जो लाइट सोर्स से फोटोन निकलते हैं वो पर सेकेंड कितने फोटोन इंसिडेंट होते हैं डिलीवर होते हैं टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ फोटोन एन इज इक्वल टू दिस पावर अपॉन E, energy of one photon, right? This power upon energy. Because this energy is, kya hoti hai? Power upon time. Energy is, you can say, this power is equal to energy. ठीक है, power is equal to, जानते हैं आप, work upon time होता है, और this is energy upon time. But यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक second में ले रहे हैं, और n photon consider कर रहे हैं, तो n फोटोन की एनर्जी n e और एक सेकंड के लिए t इज इक्वल टू 1, तो दिस कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू p अपॉन e। पावर इज हाउ मच? पावर हमें गिवन है यहाँ पर 100 वाट, ठीक है, और एनर्जी हमारी आई थी फर्स्ट पार्ट में एक फोटोन के लिए 3.38 इंटू 10^-19 जूल। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है दिस इज अप्रोक्स 3 इंटू 10^20 फोटोन्स पर सेकेंड। इतने फोटोन्स पर सेकेंड डिलीवर होते हैं टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हमें सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए था? नंबर ऑफ फोटोन, एक सेकेंड में कितने फोटोन डिलीवर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और पहले पार्ट में क्या चाहिए था? एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन। तो दीज आर द टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 3.3 into 10^14 hertz,
इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10^14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन गिवन दैट प्लैंक कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड हेयर गिवन दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10^14 हर्ट्ज कोई भी मेटल सरफेस इस मेटल सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू हाउ मच कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं दिस इज 8.2 इंटू 10^14 हर्ट्ज एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस 3.3 इंटू 10^14 देन कैलकुलेट करना है प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हमें यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर ये फोटोइलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो इस मेटल सरफेस के लिए क्या करना है कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी नो दैट फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट इज इक्वल टू दिस एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट राइट देयरफॉर फ्रॉम हेयर दिस कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू दिस एच इज कॉमन हेयर एंड दिस इज न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई दिस कट ऑफ वोल्टेज नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज दिस एच इज इक्वल टू यू नो हेयर गिवन 6.62 दिस 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दिस इज 8.2 इंटू 10^14 एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 3.3 इंटू 10^14 डिवाइडेड बाई दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज हाउ मच दिस इज 1.6 इंटू 10^-19 देन पहले माइनस करेंगे फिर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर दिस आंसर शुड बी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 202.74 वोल्ट तो दिस इज द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू 202.74 हमें इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन थी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो इस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू चाहिए हमें तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज किया हमने वी नॉट इज इक्वल टू दिस एच अपॉन ई एच इज कॉमन ऑन पुटिंग द वैल्यूज एंड देन ऑन सॉल्विंग आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर गिवन ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम सी इक्वल टू 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड एंड एच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है हमें द वर्क फंक्शन फाइ नॉट इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज 330 नैनोमीटर एंड दिस कैन बी रिटन एज 330 इंटू 10^-9 मीटर क्वेश्चन में कहता है विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ये हमारा कोई भी मेटल सरफेस इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन हमारा मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया 4.2 इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर ये लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं इस वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो हमें बताना है कि इससे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा वर्क फंक्शन इतना है और इस वेवलेंथ का लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं
कि इससे इस वेवलेंथ से कितनी एनर्जी हमें मिलती है, तो वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू और दिस इज एच सी अपॉन लैम्डा. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज इज इक्वल टू दिस एच, एच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय दिस वेवलेंथ 330 × 10^-9 मीटर. देन ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 6.0 × 10^-19 जूल. ये हमारी इतनी एनर्जी फोटोन की, यहाँ पर जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करता है उसके फोटोन की एनर्जी. अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए दिस एनर्जी शुड बी डिवाइडेड बाय क्या करें, 1.6 × 10^-19 से डिवाइड करें, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है. एंड हेयर ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर हमारी एनर्जी जो मिलती है इस रेडिएशन से, जिसकी वेवलेंथ 330 है, इससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट जो वर्क फंक्शन हमारा वो 4.2 है. वर्क फंक्शन का मतलब कम से कम इतनी एनर्जी हम इस पर इंसिडेंट करें तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, कम से कम इतनी एनर्जी इंसिडेंट करें तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. बट हम यहाँ पर 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं, तो दिस एनर्जी इज लेस, देयरफॉर नो एमिशन, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस एनर्जी 3.75 हमारी कम है. दिस एनर्जी हेयर, दिस एनर्जी इज लेस देन फाइव नॉट, दिस एनर्जी लेस देन फाइव नॉट, देयरफॉर नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, एमिशन नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस. यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एनर्जी हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी एनर्जी कम है, वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन यहां से नहीं होगा, नॉट पॉसिबल. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 × 10^14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस. एक मेटल सरफेस हमारा, इस पर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी का करते हैं. दिस गिवन दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 7.21 × 10^14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम स्पीड. यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं विद मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 6 × 10^5 मीटर पर सेकेंड इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या करना है हमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. गिवन दैट एच इज इक्वल टू दिस एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिस हाफ वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन होता है आपका एच न्यू नॉट. हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए न्यू नॉट. तो इसमें पहले हम एच कॉमन लेते हैं, तो दिस इज न्यू माइनस न्यू नॉट. देयरफॉर दिस न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू दिस एन वी मैक्स स्क्वायर अपॉन दिस 2h. हमें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो दिस न्यू नॉट इज इक्वल टू, देयरफॉर न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, दिस न्यू माइनस दिस इज एन वी मैक्स स्क्वायर अपॉन दिस 2h. ठीक है. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज दिस न्यू नॉट, न्यू नॉट इज इक्वल टू हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी थी इंसिडेंट रेडिएशन की, दिस इज 7.21
into 10 to the power 14 and the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 और मैक्सिमम स्पीड थी हमारी 6 into 10 to the power 5 square. तो दिस इज द वी मैक्स 6 into 10 to the power 5 होल स्क्वायर और दिस अपॉन 2h अपॉन 2 into h. h की वैल्यू हमारी 6 पॉइंट दिस h इज इक्वल टू 6 पॉइंट कितनी गिवन है 6.63 into 10 to the power minus 34 राइट वैल्यूज पुट की पहले क्या करें स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई फिर डिवाइड और करने के बाद फिर ये माइनस इसमें से तो ऑन सॉल्विंग दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की कितनी आनी चाहिए दिस इज इक्वल टू 4.74 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज तो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट हो सकते हैं इससे तो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम राइट तो आज के लिए केवल इतना ही थैंक यू.